वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिया डॉट कॉम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख रहे होंगे, तो आरआरबी जेई का जो आपका रिस्पॉन्स शीट था, आंसर की और आपका जो रेज करने का ऑब्जेक्शन, उसके लिए लिंक अवेलेबल हो गया है और अभी से आप लोग देखना शुरू कर सकते हैं। तो उसको देखने कैसे देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले आपको कोई भी जिस भी बोर्ड का वेबसाइट पर आपका उसको अपलोड किया गया है, जैसे कि मैंने कोलकाता बोर्ड का ये वेबसाइट ओपन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/2018 यहाँ पर लिखा हुआ है और ये जो डेट है 10/7। और देखो, एक और अभी नोटिस आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिवाइज नॉर्मलाइज फार्मूला, तो नॉर्मलाइज फार्मूला को रिवाइज किया गया, इसको भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर की और जो रिस्पॉन्स की और ऑब्जेक्शन जो करना है, वो कैसे करना है हम बताते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले क्लिक हेयर टू व्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जाओगे, देखो कैंडिडेट्स कैन विजिट सीट, और बता रहा है कि आप आज से यानी कि 11 से 12 बज के कुछ मिनट से आप देख सकते हैं और 14 तक ही देख सकते हैं, इसके बाद आपको नहीं देखेंगे तो यानी कि ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से कर लें। और यहाँ पे देखो व्यू आंसर शीट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे कर सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन भूल गए हैं वो यहाँ पे क्लिक करके अपना देख सकते हैं। सबसे पहले लेकिन आपको एक नोटिस देखना होगा, देखो यहाँ पर नोटिस ऑन व्यूइंग क्वेश्चन पेपर एंड रेज ऑब्जेक्शन ऑन क्वेश्चन पेपर की, तो यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है, फिर भी डाउनलोड कर लेते हैं, देखते हैं इसको ओपन करके क्या इन्होंने बताया है। तो इन्होंने पूरा वही बताया है कि जो पेपर हुआ था आपके इतने इतने के बीच में हुआ था, आंसर की लिंक जो है आपका इतना अवेलेबल रहेगा, या आपका टाइमिंग दिया है, एक्टिविटी व्यूइंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर रिस्पांस एंड की, टाइम बताया गया है, डेट बताया गया है, क्लोजिंग डेट बताया गया है आपका यहाँ पे, और उसके लिए जो फी पेमेंट है आपके कितने होंगे 50 रुपये, वो बताए गए हैं। अगर आपको जो बैंक से आप करोगे, अगर आपके आंसर सही पाए जाते हैं तो आपके रिफंड आ जाएंगे, ठीक है, उसी आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएंगे अगर आपको सही पाए जाते हैं तो। और ये पर क्वेश्चन होगा 50 रुपीज़, ठीक है फ्रेंड्स। प्रोसीड्यूर क्या है रेज करने का ऑब्जेक्शन, तो आफ्टर लॉगिन इनटू ऑब्जेक्शन लिंक कैंडिडेटर व्यू देयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द रिस्पांस बाय क्लिकिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखोगे, यहाँ पे साइड में आपका रेज करने का रेड कलर से आएगा, तो आप उसको क्लिक करके उसको रेज कर सकते हो ऑब्जेक्शन को। दिस विल ओपन द ऑब्जेक्शन पेज वेयर दे कैन चूज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन ऑप्शन टू फिल इन द सपोर्टिंग डिटेल्स और अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। देखो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है, उनको बताना है कि हाँ गलत है। कैंडिडेट्स कैन रेज ऑब्जेक्शन फॉर ओनली वन क्वेश्चन एट ए टाइम एंड मेक द पेमेंट, ठीक है। आप क्या करना है कि जैसे आप एक क्वेश्चन को किए, उसके बाद ही आप पेमेंट कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे, फिर पेमेंट करेंगे। क्लिक ऑन द पे नाउ बटन टू मेक द पेमेंट फॉर सेलेक्टेड सब्जेक्ट, द पेमेंट ऑफ ₹50 हैज टू मेड एवरी ऑब्जेक्शन रेज। जितना भी आप लोग ऑब्जेक्शन करोगे, मैं बता चुका हूँ कि पर ऑब्जेक्शन के लिए आप लोग को ₹50 देना होगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ सक्सेस पेमेंट द ऑब्जेक्शन विल गेट रिकॉर्डेड एंड विल रिडायरेक्ट टू द ऑब्जेक्शन समरी, आपका ऑब्जेक्शन समरी में आ जाएगा वो। द सेम प्रोसीड्यूर शैल बी अडॉप्टेड फॉर रेजिंग सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्शन, ऐसे ही आपको करना है, समझ गए। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेज ऑब्जेक्शन इफ एनी वेल बिफोर एंड फाइनल डेट, दैट इज आपका 14/7/2009 ये है आपका, तो इसके बाद आप नहीं कर सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको वेबसाइट ओपन किए हुए, यहाँ पे व्यू आंसर शीट करेंगे। व्यू आंसर शीट करने के बाद फ्रेंड्स आपको सब अपने डिटेल यानी कि आपका रोल नंबर डालना है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं डालने हैं। वेबसाइट थोड़ा स्लो हो गया है क्योंकि काफ़ी उस पर दबाव आ गया है, अभी जस्ट अपलोड ही हुआ है 12 बजे। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको कि रोल नंबर अपना डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपका डालना है, क्या डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप अपना कैप्चा नंबर ये डाल सकते हैं। लॉगिन करेंगे तो आपके पेपर खुल जाएंगे, और पेपर खुलने के बाद जैसे कि शुरुआत में आपका इंस्ट्रक्शन रहेगा इस साइड में, उसके बाद आपका वो पेपर रहेगा जो रिस्पांस भी हुआ है वो, उसके बाद आपका ऑब्जेक्शन वाला समरी रहेगा, जहाँ जहाँ जिस जिस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन किए हैं उसके ऑब्जेक्शन करने के लिए। तो ऐसे आप लोग देख के बताएं फ्रेंड्स कितना मार्क्स आप लोग कर रहे हैं, और वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे।